कन्नौज में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां के जीटी रोड हाईवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 21 लोग घायल हैं। बस कन्नौज के गुरसहायगंज से जयपुर जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का त्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। सीएम योगी ने घायलों को 50,000 और मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। भीषण हादसे में 20 से ज्यादा की मौत, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद डबल डेकर बस में लगी आग, आग में जलकर खाक हुई कई जिंदगियां। हादसे के बाद सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान, घायलों को भी मुआवजे के साथ हर संभव मदद का आश्वासन। हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। फरुखाबाद से जयपुर जा रही थी बस। 70 लगभग होते, बच्चे ज्यादा थे, मतलब वैसे आदमी तो हमारे समय 60-65 होते हैं, सियाने लेडीजे ज्यादा थे, बच्चे ज्यादा थे। आंखों में आंसू थे, सामने आग का तांडव था और मेरे अपने मौत की आग में जल रहे थे। चीख पुकार सुनकर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा और हादसा इतना भीषण कि किसी भी व्यक्ति को संभलने का कुदरत ने वक्त ही नहीं दिया। डबल डेकर बस में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग थे, कई मासूम बच्चे भी थे। मौत का नजारा ऐसा था जैसे आसमां से आग बरसी और 20 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। जब लोग बस से चले थे तो सोचे थे कि जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हंसते खेलते कई परिवार थे जो बस में चढ़े थे, उनके अपने गंतव्य पर इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन हादसे ने बहुत दर्द दे दिया। ऐसा दर्द किसी मायावी आग से कम नहीं है। जिसमें से 25 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल चुकी है, वो सुरक्षित हैं। उनमें से 22 लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। इन 22 में से 11 लोग मेडिकल सिरवा मेडिकल कॉलेज को रेफर किए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग अपने घर सुरक्षित घर में हैं। 25 फरुखाबाद होते हुए बस जयपुर जा रही थी, तभी कन्नौज के जीटी रोड पर मौत ने जमकर तांडव खेला। हादसे में 20 से ज्यादा की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और मुआवजे का भी ऐलान किया है। के अनुसार बस के डीजल टैंक पर आग लगने के कारण पूरी बस और ट्रक उसकी चपेट में आई है। जैसे इस बात की जानकारी पीआरवी जो हमारा डायल 112 है इसको मिली, इसने तत्काल सभी संबंधित को इसकी जानकारी दी और हम लोगों ने भी जिला प्रशासन को भी इसके बारे में तत्काल निर्देश दिए कि घटनास्थल पर जाएं और वहां पर राहत कार्यों को तेज करें। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2,00,000 रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपए सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि किसी भी व्यक्ति के आंसू और दर्द निकल आए। आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार कन्नौज में डबल डेकर बस जलकर खाक हो गई। आग का तांडव इतना खतरनाक था कि बयां करना मुश्किल है। इस तांडव में कई लोग समा गए। फिलहाल
घायलों का इलाज जारी है और मृतकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इस हादसे में किसकी गलती है? डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़।